जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपना YouTube चैनल कमांडो करियर एकेडमी में। आज मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ CRPF का सबसे अच्छा और सबसे फ्री स्टाइल रहने वाला सर्विस, जो कि नौकरी तो फौज का है पर रहन सहन पूरा सिविलियन की तरह, पूरा सिविल की तरह। आप सुबह 10 से लेके शाम को 4 बजे तक ऑफिस टाइम रह के फिर अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस सर्विस के बारे में, जो कि बहुत ही CRPF हो चाहे किसी भी फोर्स हो, सबसे वैल्यूएबल डिपार्टमेंट इसको माना जाता है और सबसे आसान नौकरी इसको माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। टॉपिक में डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यूअर, जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो उससे रिक्वेस्ट है कि आपका अपना यूट्यूब चैनल कमांडो करियर एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, जो CRPF हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के वैकेंसी के बारे में, कब आने वाला है, कितना क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया कब से काउंट होगा। मेन टॉपिक यह है कि एज कब से काउंट होगा, क्योंकि किसी का बोल रहा है एज ओवर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मेन बात यह है, हाइट कितना रहेगा, फिजिकल क्या है, रिटन टेस्ट क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, मेडिकल और स्किल टेस्ट के बारे में। चलिए, आपका ये जो वैकेंसी है ये मार्च में आ जाएगा और जून जुलाई तक इसका प्रक्रिया चलेगा, जो कि मेडिकल तक हो सकता है। इसमें से सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट जो है रिटन एग्ज़ाम को लेकर होता है, क्योंकि फिजिकल यानी हाइट टेस्ट में उतना कैंडिडेट छट नहीं जाता है या रिजेक्ट नहीं हो जाता है। फॉर्म अच्छे से फिलअप कीजिएगा, 10+2 पास होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और आपका जो रिटन टेस्ट होने वाला है, ये 225 नंबर की रिटन टेस्ट आने वाला है, उसमें से 200 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर जो रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव यानी लेटर लिखना। इसमें से आपको दो पार्ट में एग्ज़ाम होगा, इट्स नेगेटिव मार्किंग। 2 घंटा 30 मिनट का टाइम आप लोगों को मिलेगा, इसमें से जो एक आएगा हिंदी इंग्लिश, जो भी एक चूज कर सकते हो, और रीजनिंग मैथ्स आएगा, जो कि अब हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, और 25 नंबर जो रहेगा वो आपका लेटर लिखने के टॉपिक पे आएगा, वो चाहे आप हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में। उसमें मेन टॉपिक ये देखा जाता है कि आपका हैंड राइटिंग कैसा है। बस उसमें से अगर आप जनरल हो तो लगभग 120 नंबर अगर आप ले लेते हो तो फिर आप उसमें सेलेक्ट हो जाओगे। फिर लास्ट में आप लोग आता है मेडिकल। इसमें टोटल वैकेंसी का बात करते हैं, टोटल वैकेंसी जो है इसमें लगभग 875 से ऊपर आने वाला है, और ये वैकेंसी पक्का आप लोगों का अप्रैल तक आ जाएगा 100%। मैं जब तक श्योर नहीं होता हूँ तब तक मैं वीडियो बनाता नहीं। तो दोस्तों, इसमें टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, और मेन ज़्यादा जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो टाइपिंग पे, क्योंकि अगर आपका टाइपिंग सही है तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे। उतना हार्ड नहीं है, आप टाइपिंग लैपटॉप से या आजकल मोबाइल से भी सीख सकते हो। तो कोशिश करना टाइपिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, और जो हिंदी भाषी है, जिसको अच्छा लगता है कि मैं हिंदी से टाइपिंग करूँगा, क्योंकि हिंदी में जो है 30 टाइपिंग है पर मिनट और इंग्लिश में 35, तो हिंदी ज़्यादा हार्ड होता है इसलिए हिंदी में 30 दिया गया है। बाकी मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में अगर टाइपिंग सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी जिसका एक्सपीरियंस हिंदी में है वो तो हिंदी में ही टाइप करेगा। बाकी जो नया करना चाहते हो उसको मैं सलाह दूंगा कि इंग्लिश में ही ट्राई करें, ताकि इंग्लिश में पास होने का ज़्यादा चांस रहता है। और मैं मेन टॉपिक ये है कि कोई सोच रहा है मेरा एज ओवर हो गया, एज ज़्यादा हो गया, तो चिंता करने का कोई बात नहीं है। आपका जो एज काउंट होगा वो 1 अगस्त 2020 से काउंट होगा, जनरल का रहेगा 18 से 25,
1/8/2020 का हिसाब से। ओबीसी का रहेगा 18 से 28 और SC ST का रहेगा 18 से 30। इसमें हाइट का भी उतना क्राइटेरिया नहीं है, 165 लड़के का, 155 लड़की का। लड़के का जो चेस्ट रहेगा 75 एक्सपेंडेड, 81 लड़की का। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, लड़की का नहीं चेक किया जाता है, यानी लड़की का मेजरमेंट सिर्फ हाइट में होता है, बाकी और किसी में नहीं। बाकी दोस्तों अगर HCM के बारे में और भी अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट सेशन में पूछिए। इसका सैलरी के बारे में, इसका और भी कोई जानकारी चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोगों का कमेंट आएगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं ज़रूर इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्द से जल्द। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भी व्यूअर चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।